जी असल हेलो असल जी, जी। मुफ्ती साहब बहुत अच्छी बात है आपने रोशनी डाली ये सब हमारी बच्चों की कमजोरी है या माँ बाप की तरबीय की कमी है जो इस तरह के बच्चे या लोग बड़े भी इस तरह लिखते हैं अल्लाह इन्हें माफ़ करे और हमें भी माफ़ करे तो मैं ये पूछ रही थी की रेस्टोरेंट का गोज है ये हलाल है या नहीं है बड़ी इसकी तरफ से टेंशन लगी रहती है और यह वीडियो देखने ऐसी पहले वीडियो को लाइक करें राम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें शुक्रिया माशा माशा सबसे पहले आपकी मोहब्बत का शुक्रिया आपने हमारे इस मजमून को पसंद किया कि सोशल मीडिया पे बेहंगाम हम जो लिखते रहते हैं हम अपने लिए आखिरत में बोझ कर रहे हैं और दुनिया के अंदर भी अल्लाह की नज़र में गिर रहे हैं और अपनी नस्लों के लिए जो है बड़े गलत फ़ैसले अल्लाह की तकदीर में करवा रहे हैं लिहाजा मोहतात हो लिखें डिसेंट हो के अपने इतराफ़ को ज़ाहिर करें और ये ना सोचें कि ये मुशरिक है ये दूसरे मसलक का है आपने इस गुफ्तगू को पसंद किया है अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए और बाकी यह है कि आपने जो सवाल किया कियाबन आप रेस्टोरेंट डिपो के बारे में पूछना चाहती हैं कि रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट डिपो का गोश्त हलाल है या नहीं बात असल में इसमें कायद कुलिया मैंने बता दिया था एक दफ़ा कि अगर एक मुसलमान जो है वो ज़िम्मेदारी से ये कहता है कि गोश्त हलाल है जिम्मेदारी से मुसलमान गोश्त के हलाल होने की बात करता है तो बस आप उसको हलाल तस्लीम करें अब मजीद टो लगाने की आपको इजाज़त नहीं है ना ज़रूरत है लिहाजा दीनदार मुसलमान हो तो बेस्ट है वरना एक मुसलमान के जो अल्लाह अल्लाह के रसुल पा ईमान रखता है तो वो मुसलमान अगर जिम्मेदारी से कहते हैं गोश्त हलाल है या, या रेस्टोरेंट डिपो का गोश्त जो है वो जो शख्स बेच रहा है और या उसके ऊपर जो मोहरें लगी हुई हैं और वो जो मुसलमान आपको तस्दीक कर रहा है कि गोश्त हलाल है लिहाजा वो गोश्त हलाल अब मजीद टो लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है या वो दुकान पर गोश्त बेच रहा है उसके ऊपर लिखा है लिखा है क्या हलाल हलाल जबिया लिखा हुआ है बस मुसलमान है अंदर जाके आपने पूछा मुसलमान बंदा है आप उसे गोश्त खरीद सकते हैं अब आप इस वसुफ़े में ना पढ़ें कि भाई ये भाई हलाल है भी कि नहीं पता नहीं झूठ ना लिखा हो पता नहीं सच ना लिखा हो इन वसूसों की इजाज़त नहीं है हाँ सॉलिड या तो आपके सॉलिड रीज़न हो सॉलिड कोई रीज़न और दलील हो तो फिर आप उसको काउंटर करें क्योंकि ये मसला याद रखें जानचे अला शबा व नज़ायर के अंदर भी इस हकीकत को वाजा किए वाज़ किया गया है फ़िका की किताब है और मुफ्ती आज़म, मुफ्ती आज़म देवंद मौर मुफ्ती निज़ामुद्दीन जो आज़मी रहमत लाने निज़ामफ़ा में ये बात लिखी है कि जिन मुल्कों के अंदर हलाल हराम दोनों तरह की चीज़ें मिलती हैं जैसे अमरीका यूरोप जिन मुल्कों में हलाल हराम दोनों तरह की चीज़ें मिलती हैं कि वहाँ फरमाए कि उस किसी चीज़ के हराम होने के लिए सबूत की ज़रूरत है अगर आपके उस गोश्त के हराम होने पर कोई सबूत नहीं है कोई दलील नहीं है तो आप फतवे के रूस को उसको हलाल ही कंसीडर करेंगे आप उसको हराम करार नहीं दे सकते ये ये उसूल याद रखें लिहाजा अमरीका के अंदर हलाल हराम सब मिलता है लिहाजा वहां किसी गोश्त को हराम करने के लिए आपको सबूत चाहिए आप दलील पेश करें करीना पेश करें भाई ये वजह ये गोश्त हराम है अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने वसवसे के नतीजे में आप उसको हराम नहीं कर सकते बल्कि उसको हलाल करार दिया जाएगा लिहाजा उसको आप इस्तेमाल करें इसलिए आज बहुत से लोग इस हवाले से परेशान होते हैं और रेस्टोरेंट डीपू जो है उसके बारे में यही क्लेम है कि उसका गोश बिल्कुल हलाल है लिहाजा बहुत से रेस्टोरेंटों के अंदर खिलाया खाया जाता है और लोग उससे इस्तीफ़ा करते हैं अल इस्लाम जो उसको इस्तेमाल करते हैं लिहाजा किसी किस्म के वसर से मैं ना पड़ें कि जब मुसलमान उसके बारे में इस हकीकत को वाज कर देता है और उसके अंदर जो मुसलमान ज़िम्मेदारी से कह रहा है और ये हजर हकम थानवी रमत ने बशती देवर में ये मसला लिख दिया है कि मुसलमान जिम्मेदारी से अभी एक बात कह रहा है कि यह हलाल है लिहाजा उसको अब हलाल समझें आप उसके अंदर हराम करना कर, 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 करना चाहते हैं तो फिर सबूत पेश करें दलील पेश करें सबूत पेश करें फिर उसको हराम करार दें बगैर सबूत के उसको फतवे ग्रूस के उसको हलाल करार दिया जाएगा